हाय एवरीवन, वेलकम टू कीकी शिकी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, बिकॉज़ आई एम वेंजेंस। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कीकी शिकी। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज और आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ एपिसोड 3 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिकॉज आपने मुझे व्हाट इफ एपिसोड 1 और व्हाट इफ एपिसोड 2 पे बहुत सारा प्यार दिया। आपके अंदर प्यारे प्यारे कॉमेंट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, 35,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम रखेंगे Q&A। तो Q&A का अनाउंसमेंट वीडियो के बिल्कुल एंड में है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। उसी के साथ साथ एज यूजुअल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करता हूँ। 60 से भी ऊपर व्लॉग्स हो चुके हैं, इस पर एक दिन मैंने मिस नहीं किया है, तो उसको भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। उस चैनल का नाम है अभिनीत डायरीज, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। चलिए, अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता, लेट्स बिगिन द शो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटीएस्ट हीरोज। चलिए अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम ये देखते हैं कि शुरुआत होती है मंडे से। मंडे लिखा हुआ आता है, निक फ्यूरी और नताशा रोमानोफ के बीच में बात चल रही है। निक फ्यूरी यहाँ पर रिक्रूट करना चाहते हैं आयरन मैन को अपने एवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम में, पर नताशा रोमानोफ इसको ज़रा लेकर स्केप्टिकल है। वो कहती है इसमें मैं भरोसा नहीं करती, लेकिन निक फ्यूरी ये भी कहते हैं कि याद रखो कि मैंने भी एक रशियन स्पाई को हायर किया था एक अपने अमेरिकन ग्रुप में, यानी कि तुम, यानी कि वो डायरेक्ट करे बात को नताशा रोमानोफ की तरफ, बिकॉज नताशा रोमानोफ रशियन है। एंड तभी हम देखते हैं आयरन मैन 2 का वो सीन जब वो डोनट के वो जो फिगर होती है और स्पाइडर मैन बैठ के डोनट्स खा रहा होता है, उसका उसको नीचे बुलाया जाता है। याद है आपको वो सीन जब आयरन मैन 2 से जब वो डोनट्स खा रहे होते हैं? और यहाँ पे होता ये है कि जब यहाँ पे एवेंजर्स का पूरा प्रोग्राम वो समझा रहा होता है आयरन मैन को निक फ्यूरी, तभी जैसे ही वो लिथियम ऑक्साइड लगाते हैं नताशा रोमानोफ उसके गर्दन में उसके लक्षण को कम करने के लिए, इतने में होता ये है कि पिछली बार उसके लक्षण कम हुए थे, लेकिन इस बार लिथियम ऑक्साइड से टोनी स्टार्क मर जाता है, टोटली ख़त्म। यहाँ पे एक नया लॉन्च शुरू हो जाता है एक नए पैरेलल यूनिवर्स का, एक नई अल्टरनेट रियलिटी का। अब वॉचर इंट्रोडक्शन शुरू करता है एवेंजर्स का। यहाँ पे बताता है कि एक ही यूनिवर्स में एक ही टाइम में यहाँ पे हमने बहुत सारे अलग अलग सुपर हीरोज देखे। एक जगह हमने हल्क का इंट्रोडक्शन देखा, एक जगह हमने जीनियस यानी कि आयरन मैन का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद थॉर कैसे अर्थ पे आया, एंड फिर वो बताते हैं कैसे एवेंजर्स टीम शुरू हुई। एंड यहीं पे बताता है कि ये पहला यूनिवर्स है, लेकिन अब हुआ क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं ट्यूसडे को। ट्यूसडे को एक नई कहानी यहाँ पे देखने को हमको मिलती है। अब ट्यूसडे को हम ये देखते हैं कि फिल कोल्सन कॉल लगाता है निक फ्यूरी को, उसको थॉर का म्योनियर मिल चुका है, लेकिन निक फ्यूरी कहते हैं कि मैं ज़रा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद बात करता हूँ। लेकिन फिल कोल्सन कहते हैं कि यहाँ के जितने भी लोकलाइट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, आपको जल्दी आना पड़ेगा। इतने में ही देखते हैं नताशा रोमानोफ को शील्ड के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उसको गिरफ्तार कर लिया गया। यानी अपना नताशा रोमानोफ बार बार निक फ्यूरी कहती है कि तुम जानते हो कि मैंने उसको नहीं मारा, ये जो भी कुछ किया है किसी शील्ड के इंसान ने किया है जिसने अंदर की उसको इन्फॉर्मेशन दी कि अगर लिथियम ऑक्साइड की जगह कुछ और मिला सकते थे। यहाँ पर निक फ्यूरी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने टोनी स्टार्क को नहीं मारा, पर शील्ड के जो प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर नताशा रोमानोफ के हाथ में एक डिवाइस पकड़ा रहता है चुपचाप। नताशा रोमानोफ को एक वैन बैठा के आगे ले जाते हैं जहाँ पर उसको घेरा हुआ है। लेकिन हम आगे ये देखते हैं, अब जिस वैन में फिर उस ट्रक में जहाँ पे नताशा रोमानोफ को पकड़ा हुआ है वो अपने हैंडकफ्स खोल लेती है एंड जितने भी गार्ड्स थे उन सबको पीट देती है, एंड वहाँ से वो भाग जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं पॉइंट टू एंटीगो की तरफ, न्यू मेक्सिको, जहाँ पे थॉर का म्योनियर रखा हुआ है। अब यहाँ पे हो ये रहे कि हॉकआई और निक फ्यूरी डिस्कस कर रहे हैं कि थॉर के हैमर के बारे में कि कौन है, कहाँ से आया है। एंड यहाँ पे हॉकआई ये भी बताते हैं कि हमारे जितने भी बलवान लोग हैं उन सब ने ट्राई कर लिया उसको उठाने का, पर कोई भी उसको उठा नहीं पाया। निक फ्यूरी कहते हैं कि हर एक सिचुएशन में दो पहलू होते हैं, एक बेस्ट और एक वर्स्ट, अगर हम बेस्ट ट्राई कर चुके हैं तो वर्स्ट आने वाले हैं। इतने में हम ये देखते हैं कि थॉर यहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं सबको पीटना शुरू करता है, एंड फिल कोल्सन इन्फॉर्मेशन देता है कि कोई यहाँ पे एक लंबा चौड़ा खूबसूरत सा इंसान है, इसको मिड 20s में उसकी एज होगी और उसके बाल काफ़ी सुनहरे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, वो यहाँ पे आके लोगों को पीट रहे हैं। एंड तभी हम देखते हैं जहाँ पे थॉर का म्योनियर रखा है, थॉर वहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स को पीट पाट के पहुँचता है, उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में होता ये है हॉकआई ने निशाना ले रखा था अपने एरो से, एंड वो बस निक फ्यूरी के कमांड का वेट कर रहा था कि जैसे निक फ्यूरी को अलाउ करेगा हॉकआई अपने एरो से और यहाँ पे थॉर को लग जाएगा। लेकिन इतने में होता ही है कि थॉर को तीर सच में लग जाता है और वो डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हॉकआई कहते हैं ये तीर है ये मैंने नहीं मारा, ये तीर किसी और ने मारा है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे क्योटिक माहौल है, सब बहुत कुछ हॉचपॉच हो चुका है, थॉर इज डाउन। तो बेसिकली इस एपिसोड में हम ये देख रहे हैं कि जितने भी एवेंजर्स है वो धीरे धीरे टेक डाउन होते जा रहे हैं। जैसे आयरन मैन तो यहाँ पे मर ही चुका है, नताशा रोमानोफ को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, अब हॉकआई के ऊपर एक इल्ज़ाम आ चुका है कि उसने यहाँ पे किसी को मारा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अब रियली कौन करे ये किसी को नहीं पता। फिल कोल्सन और निक फ्यूरी यही डिस्कस करते हैं
ये एज पर ब्लड सैंपल, इसका मतलब ये है कि थॉर हज़ारों साल से भी ज़्यादा एज का था, एंड पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे दो एवेंजर्स के जो मेंबर हो सकते थे, यानी कि थॉर और आयरन मैन, वो दोनों डाउन हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो खुद के शील्ड के दो एजेंट्स थे वो भी डाउन हो चुके हैं, उनके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लग चुका है। एक जगह नताशा रोमानोव और दूसरी जगह हॉक है। अब बचे हैं हल्क और कैप्टन अमेरिका, या फिर कैप्टन कार्टर इन दिस सिनेरियो। निक फ्यूरी आके डिसाइड करते हैं कि मैं बार्टन से अंदर, यानी कि हॉकआई से अंदर जाके बात करूंगा। जैसे उसकी सेल में जाते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे बार्टन या फिर हॉकआई भी मर चुका है। अब यहाँ पे हो क्या रहे, जितने भी एवेंजर्स के मेंबर है धीरे धीरे सब मरते जा रहे हैं। अब इकलौती जो बची है वो है नताशा रोमानोव, उसके अलावा सब मर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं वेंसडे की तरफ, कल्वर यूनिवर्सिटी वर्जीनिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि नताशा रोमानोव, वो जाके मिलती है बेटी रॉस से, एंड वो बेटी रॉस यहाँ पे ये कहती है कि मैं कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन जानती हूँ ग्रीन का, यानी कि हल्क के बारे में। उसका नाम ब्रूस बैनर है, मेरे पास उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एजेंट रोमानोव कहती है। लेकिन आज मैं यहाँ पे हल्क या फिर ब्रूस बैनर के बारे में बात नहीं करनी है, बल्कि वो वही डिवाइस देती है जो कि निक फ्यूरी को दिया था, एंड ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू यहाँ पे टोनी स्टार्क को लिथियम ऑक्साइड दिया गया है। अब बेटी रॉस उसके ऊपर टेस्ट करना शुरू करती है, उसको चेक करना शुरू करती है कि आखिरकार इसमें मिला क्या। बेटी रॉस उस पर चेक करती है, कहती है कि इसमें से बल्कि कुछ निकला भी नहीं, सिरिंज के थ्रू कुछ निकला भी नहीं, उससे पहले ही यहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद फिर वो ये कहती है नताशा रोमानोव की, हो सकता है इसमें नैनोटेक का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन बेटी रॉस इज़ नॉट एन एक्सपर्ट इन नैनोटेक। नताशा रोमानोव निकल रही होती है तो उसको एक कैप दिखती है, इस पर लिखा है स्टेनलीज़ पिज्ज़ा पार्लर। मे बी ये शायद स्टेनली का एक हल्का सा एक रेफरेंस यहाँ पर दिया गया। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है बेटी रॉस कि इसका मेरे से कुछ लेने देने नहीं है, हो सकता है ये किसी स्टूडेंट का छूट गया, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि ब्रूस बैनर उसके आसपास है और ब्रूस बैनर इज़ अंडर कवर। इस वजह से स्टेनलीज़ पिज़्ज़ा पार्लर उसकी जैकेट भी अपने पास रख रखी है। नताशा रोमानोव जब वहाँ से निकल रही होती है तो यहाँ पर निक फ्यूरी उसको कॉल करते, कहते हैं कि तुम्हारे लिए बैड न्यूज़ है और एक वर्स्ट न्यूज़ है। ये है न्यूज़ कि क्लिंट बार्टन भी मर चुका है, हॉकआई भी मर चुका है, और उसके बाद जो शिकारी अगले दो शिकार हैं वो हो तुम और ब्रूस बैनर, यानी कि नताशा रोमानोव और ब्रूस बैनर का नंबर है। और निक फ्यूरी उसे कहते हैं कि ध्यान रखना क्योंकि अगले दो शिकार अब तुम दो नहीं हो। एंड तभी नताशा रोमानोव समझ जाती है कि ब्रूस बैनर एक्चुअली बेटी रॉस के ही लैब में कहीं पर छुपा हुआ है। एंड वो जैसे लैब का दरवाज़ा खोलने वाली होती है, एक जो गुप्त जगह होती है उसके लैब में, यहाँ से अंदर से मार्क रफेलो वाला ब्रूस बैनर निकलता है। ऑल दो द इनक्रेडिबल हल्क में एडवर्ड नॉर्टन वाला हल्क था यहाँ पे। खैर, यहाँ से ब्रूस बैनर निकलता है एंड यहाँ पे नताशा रोमानोव कहती है कि हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पीछे कुछ खतरा आ रहा है, हमारे पीछे कुछ कि फिल कोल्सन शील्ड के ऑफिस की तरफ निकल रहा है जो उनकी फैसिलिटी है। एंड तभी उसके ऊपर एक्चुअली वॉचर उसको वॉच कर रहे हैं। लेकिन होता ये है कि जैसे वो शील्ड के ऑफिस में एंटर कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे तभी ज़ोर से कुछ आवाज़ आती है, सब कुछ हिलने लगता है, एंड सडनली सामने आर्मी आ चुकी है लोकी की। न्यूक फ्यूरी यहाँ पे लोकी के सामने पहुँचता है एंड लोकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तभी यहाँ पे न्यूक फ्यूरी के पास कॉल आते हैं नताशा रोमानोव की, एंड इसके बीच में लोकी डिस्टर्ब होता है। लोकी कहे तुरंत कॉल उठाओ, मुझसे बातचीत कंटिन्यू करो। फिर न्यूक फ्यूरी के पास कॉल थी नताशा रोमानोव की, नताशा रोमानोव ये कहती है कि मुझे और ब्रूस बैनर को घेर लिया है जनरल रॉस ने, एंड तभी जनरल रॉस ने यहाँ पे कह रखा था कि कोई भी गोली नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे सडनली कोई गोली चला जाता है एंड ब्रूस बैनर को जाके गोली लगती है, एंड अब ब्रूस बैनर धीरे अपना आपा खोने लगता है। नताशा रोमानोव को समझाने वमझाने की कोशिश करती है कि शांत रहो, बट खैर। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे लोकी दरअसल वेंजेंस के लिए, अपना बदला लेने के लिए अपने भाई की मौत का, थॉर की मौत का। वो कहता है निक फ्यूरी से कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे किसी एक एजेंट ने मेरे भाई का मर्डर किया है। अब एक जगह ब्रूस बैनर हल्क बन चुका है, हल्क एग्जैक्टली वो सीन्स उठाए गए हैं जैसे इनक्रेडिबल हल्क में जिस तरीके से जंप करते हैं, जिस तरह से हमला करते हैं। एक जगह से हल्क हमला कर रहे हैं और दूसरी जगह पे लोकी हमला शुरू करता है टेसरैक्ट से न्यूक फ्यूरी के फैसिलिटी पे। बेटी रॉस यहाँ पे आती है, भागते भागते अपने फादर को रोकने की कोशिश करती है, पर ब्लैक विडो उसको आके कहती है कि तुम्हारे फादर ने शुरुआत नहीं की, कि तुम्हारे फादर ने मारा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे ये सडनली जो हल्क था वो बहुत ज़्यादा ब्लोट होने लगता है, ब्लोट होता है, फूलता जाता है, एंड सडनली पूरा हल्क फट जाता है, एंड अब हल्क मर चुका है। एंड बेटी रॉस बहुत तेज रोते हैं, कहती है ये इम्पॉसिबल है, ही कांट डाई, हल्क मर चुका है। अब क्या हो रहा है इस एपिसोड, मतलब जितने भी एवेंजर्स के मेंबर्स थे धीरे सब मरते जा रहे हैं। अब इतने में होता है ये है दूसरी साइड में, यहाँ पर न्यूक फ्यूरी उसको रोकने की कोशिश करता है लोकी को, एंड कहता है कि यहाँ पर प्लैनेट को ख़त्म करने से तुम्हारा भाई वापस नहीं आ जाएगा। एंड लेडी सिफ भी उसको रोकती है, कहती है हाँ निक फ्यूरी एक्चुअली ठीक कह रहे हैं। निक फ्यूरी फिर यहाँ पर लोकी से ये कहता है कि देखो जो तुम्हारे भाई का किलर है उसने मेरे भी एजेंट्स को मारे हैं, यहाँ पर जो हमारा एनिमी है वो एक ही है, हमको एक साथ काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोकी कहता है कि हम एलाइज नहीं हैं, तुमको मैं थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ, एंड इतने वक्त में तुमको उस किलर को भी और मेरे भाई के कॉप्स को भी वापस लेके आना होगा। न्यूक फ्यूरी को तो यहाँ पर थोड़े से टाइम की मोहलत मिली है। आगे हम देखते हैं कि रात को पब्लिक लाइब्रेरी में, जो कि है वर्जीनिया में, यहाँ पे रात को बैठ के नताशा रोमानोव शील्ड के ऑफिस में एंटर करने की कोशिश करी है, लेकिन उसको पासवर्ड की ज़रूरत है कंप्यूटर के थ्रू। यहाँ पे फिल कोल्सन उसका पासवर्ड मांगती है,
एंड वो एवेंजर्स इनिशिएटिव की सारी फाइल्स एक्सेस कर सकती है। अब नताशा रोमानोव जैसे यहाँ पे शील्ड की फाइल खोलती है, इसमें हमको कोल्सन, फ्यूरी, जैनेट वेन, डायन, मारी हिल और अलेक्जेंडर पियर्स के चेहरे दिखते हैं। उसका सडनली यहाँ पे बहुत तेज हमला होना शुरू होता है नताशा रोके। नताशा को अनजान में पीट रहा, हम देख नहीं सकते कौन पीट रहा है। वो उठती है, किस तरह निक फ्यूरी कॉल लगाती है, अपना लास्ट मैसेज भेजती है, इट्स ऑल अबाउट होप, होप है कोई जो कि हमला कर रहा है। वैसे अभी तक हम सब जान चुके हैं कि एक्चुअली हमलावर है कौन। निक फ्यूरी नताशा रोमानोव के लास्ट मैसेज को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, क्रैक करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार है कौन, नताशा रोमानोव को यहाँ पे आखिरकार मतलब क्या था होप से। अब सुबह होने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं और लोकी ने जितने टाइम दिया था वो भी खत्म होने वाला है। फिल कोल्सन ये ऐसा समझाता है निक फ्यूरी को, एंड सडनली निक फ्यूरी भागता है अपनी गाड़ी में और उस बीपर को बाहर निकालता है जिसके थ्रू वो कैप्टन मार्वल को बुला सकता है, एंड फिर अपनी गाड़ी को लेके आगे बढ़ता है लोकी की तरफ जहाँ पे लोकी खड़ा है। अब आ चुका थर्सडे, आगे हम देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, एंड वॉचर अभी भी वॉच कर रहे हैं सब कुछ। निक फ्यूरी पहुँचता है एक ग्रेवयार्ड में एंड पहुँचता है होप वैन डायन की ग्रेव पे, एंड दरअसल में जो एक्चुअली किलर है वो है यहाँ पे हैंग पिम, एंड यहाँ पे हैंग ब्लेम करता है निक फ्यूरी को कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी भी गई एंड मेरी वाइफ भी गई। एंड तभी हम आगे जान पाते हैं कि एक्चुअली हैंग पिम ने कैसे हर एक एवेंजर के मेंबर को मारा था, एंड फिर हैंक और निक फ्यूरी के बीच लड़ाई शुरू होती है, एंड वाओ यार निक फ्यूरी का पेलता यहाँ पे हैंक पिम को, मजा आता है उसको देख देख के। एंड सडनली निक फ्यूरी बहुत सारे निक फ्यूरीज बन जाते हैं एंड यहाँ पे टेक डाउन कर देते हैं हैंक पिम को, एंड ऑब्वियसली बात थी कि दरअसल इतने सारे निक फ्यूरी जो थे वो था लोकी, एंड असली निक फ्यूरी फिर साइड में निकल के आता है। आगे यहाँ पे हैंक को हराने के बाद हैंक को पकड़ लिया जाता है, हैंक की बस एक लौती इच्छा है कि ऑनर हर, ऑनर करो होप की डेथ को, ऑनर करो मेरी वाइफ की डेथ को। एंड तभी फिर यहाँ पे लोकी अपना एक ऑफर यहाँ पे देता है निक फ्यूरी को, कहते हैं कि यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ कि एक्चुअली हम दोनों का अलायंस होना चाहिए एंड मुझे मिडगार्ड पे कुछ दिन और रुकना चाहिए। एंड तभी अब शुरू हो चुका है फ्राइडे। अब यहाँ पे यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में लोकी अपनी स्पीच देने के लिए पहुँचता है एंड कहते हैं कि मैं अर्थ को अब रूल करूंगा और तुम्हारी डेस्टिनी यही थी कि तुम मेरे अंडर कमांड में रहो और मेरे अंडर ही तुम रूल हो। आगे हम ये देखते हैं कि जितने भी एवेंजर्स जो कैंडिडेट्स थे, थॉर, आयरन मैन, नताशा, जितने भी थे, उन सब के यहाँ पे कॉप्स रखी हुई है, एंड फिल कोल्सन कहते हैं उनके राइज होने से पहले ही वो हमारे बीच में नहीं रहे, रेस्ट इन पीस। लेकिन तभी फिर यहाँ पे निक फ्यूरी एक बात बोलता है, कहते हैं ये भले हमारे साथ ना रहे हों लेकिन हम रुकेंगे नहीं। आगे हम देखते हैं कि एक बर्फीला इलाका है जहाँ पे निक फ्यूरी को कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिलती है, एंड निक फ्यूरी बोलता है वेलकम बैक कैप्टन, एंड तभी हम पीछे देखते हैं कि कैप्टन मार्वल खड़ी है, वो पूछती है वेयर इज द फाइट, लड़ाई कहाँ पे है, फाइट कहाँ पे है, एंड ये पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी कुछ थॉट्स है या फिर आपके जो भी कुछ राय है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर मुझे कमेंट में बताइए। आपका फेवरेट मोमेंट क्या था पूरे एपिसोड से वो भी जाकर मुझे कमेंट में जरूर बताइए। उसी के साथ साथ आप सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा कैरेक्टर है इसके लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वॉट इफ में उसकी ऑल्टरनेट कहानी देखने के लिए, जो भी आपका फेवरेट कैरेक्टर है उसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताइए। एंड जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैंने एक सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अभिनीत डायरी, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगेगी और पिन कमेंट में भी है। अब बात करते हैं Q&A के बारे में। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि 35,000 सब्सक्राइबर्स के साथ मैं Q&A यहाँ पे करूँगा, तो आप Q&A के लिए जो भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं उसको प्लीज़ आइए कमेंट में ज़रूर करिए। जो भी मेरे क्वेश्चन पसंद आएंगे उनका मैं डेफिनेटली जवाब देने की कोशिश करूँगा, एंड Q&A वीडियो कब आएगी उसके बारे में आपको जल्दी अनाउंस कर दूंगा। तो इसलिए इस वीडियो के नीचे जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़े अच्छे क्वेश्चन डालिएगा जिसके आंसर देने में मुझे भी काफ़ी मज़ा आए, तो उसका प्लीज़ आप नीचे जाकर कमेंट में करिए अपने क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन है उनको मैं पढ़ूंगा एंड डेफिनेटली उनका Q&A में वीडियो में लूँगा। और उसी के साथ साथ जो Q&A वाली जो वीडियो होगी वो इस चैनल पर नहीं आएगी, वो आएगी मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल पर अपनी डायरीज पर, तो इसलिए उसका भी आज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि तभी आपको Q&A के आंसर्स जो भी हैं वो उसी वीडियो में आपको देखने में मिलेंगे। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ ही सकते होंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।